हेलो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज रोजगार न्यूज के क्रम में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार में निकली हुई है। ये बिहार सैन्य पुलिस विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य आधुनिक सुरक्षा वाहिनी सिपाही के रिक्त पदों पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों की सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की जो अंतिम तिथि है वो 4 नवंबर 2019 रखी गई है। इसे डिटेल की बात कर लेते हैं। विज्ञापन संख्या अगर हम देखते हैं तो इसमें विज्ञापन आपको दिया गया है 2/2019 का। बिहार पुलिस सैन्य में जो टोटल रिक्तियां हैं उनको हम देखते हैं तो ये रिक्तियां बहुत अच्छी संख्या में है, 11,880 पद हैं। वेतनमान की अगर हम बात कर ले तो वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपये रखा गया है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा आपको नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आवेदन ऑनलाइन शुरू हैं वो आपको प्रारंभ 5 सितंबर से हो चुके हैं, 5 अक्टूबर से, सॉरी, 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं और ये 11 नवंबर तक आवेदन आप कर सकते हैं। अब और देख लेते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है जो इसमें रखी गई है। तो इसमें जो चयन होना है वो लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर का होगा और प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की रखी गई है, साथ ही 2 घंटों का टाइम दिया गया है। 100 प्रश्न होंगे, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें हम आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहेंगे कि जो लिखित परीक्षा है में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी आपके 30% से ऊपर मार्क्स लाना अनिवार्य है तभी आपको शारीरिक दक्षता के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है देखते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त तो रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे लिखित परीक्षा के बाद में वो 5 गुना, जितनी भी जिस कैटेगरी की वैकेंसियां निकली हुई हैं उसका 5 गुना बुलाए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अर्हक होगी। और इसमें देखते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं सफल होना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही न्यूनतम अर्हता मानदंड में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़ ऊंची कूद गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पर्षद द्वारा जिला पुलिस बिहार सैन्य पुलिस विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के नियुक्ति प्राधिकार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समादेष्टा और समकक्ष को भेजी जाएगी। इसके बाद में उस पर चयन पर अनुशंसा की जाएगी। अब हम अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की बात करते हैं तो
तो अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2019 को मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र निम्नवत होना चाहिए। सामान्य वर्ग के पुरुषों महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 18 अधिकतम 28 और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। इसके बाद में सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों के निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जा सकती है। उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जन्म तिथि दिखानी पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं शारीरिक मानदंड की। तो शारीरिक मापदंड में क्या है, ऊंचाई आपकी देखी जाएगी। तो ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल के लिए, 155 सेंटीमीटर महिला वर्ग के लिए, सभी के लिए। भारतीय मूल के गोरखा हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, और इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या रखी गई, 162 सेंटीमीटर रखी गई है। और सीना की अगर हम बात करें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव अनिवार्य है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो और महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति के लिए क्या सीना चेस्ट रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए जो 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और अधिकतम जो है सॉरी फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव इनके लिए ही आवश्यक है। इसके बाद में भारतीय मूल के गोरखा है उनके लिए भी जो एससी के लिए रखा है वही सेम रखा गया है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण में पता ही है आपको कि लिखित परीक्षा होनी है और इस लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। ओएमआर सीट पर आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इसमें जो भी है, पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे अगले वीडियो के इंतज़ार करिएगा, आपको सिलेबस इसका मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ में डाउनलोड कर भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगा, देखिए परीक्षा केवल शारीरिक लिखित परीक्षा जो होगी वो केवल शारीरिक परीक्षा जो लिख शारीरिक परीक्षा योग्यता के लिए अहर्यक होगी, इसकी मेरिट में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं द्वितीय चरण में क्या होना है। तो द्वितीय चरण में 100 अंक की आपकी फिजिकल होना है। इस फिजिकल में आपको 50 अंक का दौड़ है जिसकी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील आपको अधिकतम 6 मिनट में दौड़नी है। अगर आप 5 मिनट में से कम में करते हैं तो आपको 50 अंक, 5 मिनट या 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, और आगे 40 मिनट तक 30 अंक, और 5-6 मिनट तक अगर करते हैं तो आपको 20 अंक इसमें दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें महिलाओं के लिए दौड़ है वो 1 किलोमीटर की रखी है 5 मिनट में, उसी प्रकार 4 मिनट में से कम में करते हैं तो 50 अंक, 4 मिनट 20 तक करते हैं तो 20 अंक, और 4 मिनट 40 तक करते हैं तो 30 अंक, और अगर 5 मिनट या उससे अधिक में करते हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब गोला फेंक की हम बात करते हैं तो गोला फेंक जो होगा वो अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। ये आपको टेबल दी गई है, इसके आधार पर गोला फेंक के अंक आपको मिलेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं के लिए गोला फेंक में क्या है, उसी आधार पर इनको रखा गया है। ये सीट के आधार पर इनको भी इसमें अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। गोला आपका 12 पाउंड का होगा। हाँ, अब ऊंची कूद की अगर हम बात कर लें तो ऊंची कूद की आपको टेबल सामने दिख रही है, इस टेबल के अनुसार ही 25 अंक की ऊंची कूद करनी होगी। 4 फीट, 4 फीट के लिए 13 अंक, और उसी प्रकार से 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, 4 फीट और 5 फीट 25 अंक, इस प्रकार से इसमें अंकों का विवरण किया गया है। इसी प्रकार से महिलाओं का भी इसमें अंकों का विवरण दिया है। इसके बाद में जो मेधा सूची बनाई जाएगी, जो मेधा सूची होगी वो संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाओं में दौड़, ऊंची कूद
और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयारी तैयार किए जाएगी। अब देख लेते हैं हम लोग किसके कितने पद इसमें रखे गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पद, जो टोटल पद की अगर हम बात करें तो 11,880 पद इस पोस्ट के लिए हैं, बम्फर वैकेंसियां हैं। तो इसमें आप ज़रूर तैयारी करके कोशिश करें। तो इसमें देखते हैं सामान्य वर्ग के लिए 4,778, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1188, अनुसूचित जाति के लिए 1893, 119 पद एसटी के लिए, 2129 पद ओबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा 1419 पद पिछड़ा वर्ग के लिए, 354 पद पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए रखे गए हैं। तो बम्पर वैकेंसियाँ टोटल अगर वैकेंसी की हम बात करें तो यहाँ पर 11,880 पद रखे गए हैं, तो काफ़ी अच्छी संख्या में है। अब और देख लेते हैं इसमें आरक्षण किस प्रकार से दे होगा। तो आरक्षण उसी वही प्रावधान आरक्षण के दिए गए हैं जो संवैधानिक रूप से लागू होते हैं। फीस की बात कर लेते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर जनरल के लिए 450 रुपये, और यहाँ पे आपको एससी और एसटी के लिए 112 रुपये फीस रखी गई है। अब और देखते हैं, अब इसमें बताना चाहूँगा जो आपके ज़िले वाइज यहाँ पे जो बाहिनी वाइज रिक्तियाँ हैं वो इसमें दी गई हैं, पटना में 11 से 21 जो भी हैं बाहिनियाँ, इसमें सभी सभी का डिटेल आपको वैकेंसी वाइज दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ फॉर्म भी आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और अन्य किसी भी वीडियो की जो मैंने बनाया हो या ना बनाया हो आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और किसी भी एग्ज़ाम का यदि आपको सिलेबस चाहिए तो आप सिलेबस के लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।